एमसीडी के अंदर जो 15 साल से भाजपा ने नरक बना रखा है दिल्ली का। मेगा रोड शो निकलना है, हंसराज कॉलेज से निकलते हुए तमाम लोग हैं हमारे साथ। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती के आज मेगा शो है, क्या कुछ करने का इरादा है? ये जो आप जनमानस देख रहे हैं, जो ये विशाल जनसमूह देख रहे हैं, ये सब इस बात का गवाह हैं कि केजरीवाल मॉडल एमसीडी में आ गया। एमसीडी के अंदर जो 15 साल से भाजपा ने नरक बना रखा है दिल्ली का, उसका जवाब है ये जनसमूह। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली में सबसे अच्छा काम करके दिखाया, एमसीडी में भी चल करके दिल्ली देश का ही नहीं विश्व का सबसे खूबसूरत सिटी बन के उभरेगी। लेकिन जो अभी तोहमतें लग रही है उसमें क्या, उसका क्या करेंगे एमसीडी से? अभी केजरीवाल जी पे तोहमतें लग रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सत्येंद्र जैन मालिश कराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा के पास कुछ नहीं है, ये चुनाव एमसीडी का है, एमसीडी लोकल मुद्दे का चुनाव है। दिल्ली साफ सुथरी कौन करेगा, केजरीवाल करेंगे कि भाजपा करेगा? जनता इसका फैसला करेगी। भाजपा को दिल्ली की जनता ने 15 साल दे दिए काम करने को, उनसे ना हो पाया। ये चुनाव लोकल मुद्दे का है, भाजपा फेल है लोकल मुद्दे पे, ध्यान भटकाना चाहती है। उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मनीष जी अभी बेदाग होके निकले हैं, उनको कितना तंग किया शराब घोटाला के नाम पे, क्या निकला? चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं है। क्लीन चिट बताई जा रही है, लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं अभी क्लीन चिट नहीं है, दुविधा में है वो। भाई भाजपा वाले जो चाहे कहें, लेकिन दिल्ली के अंदर झाड़ू चल गई, एमसीडी में झाड़ू चल गई। झाड़ू ही चलेगी, झाड़ू चलेगी, चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। तो आपने देखा सोमनाथ भारती जी हमारे साथ थे, तमाम लोग जो है चुनावी बिगुल बजा चुके हैं, मेगा रोड शो रैली निकल रही है। आप देखिए आम आदमी पार्टी की मेगा रोड शो रैली है, सारे एमएलए, सारे कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है, पूरी मीडिया का हुजूम उमड़ा हुआ है और इतने जनता उमड़ी हुई है। आपको मैं दिखा दूँ कि सामने आप देख सकते हैं केजरीवाल जी यहाँ तमाम लोगों से मिलने, खुद रूबरू होने आए हैं यहाँ पर, और लोगों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने रोड शो रैली में यहाँ दिल्ली में भी धूल उठा दी है और लोगों का कहना है कि भैया अब तो झाड़ू चलेगी। तो अब आप देख सकते हैं सामने कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एकजुट हुए हैं, सारे एमएलए चाहे सारे कैंडिडेट हो, सभी निगम पार्षद भी यहाँ मौजूद है। आज ऐसा रोड शो हो रहा है दिल्ली में, आप देख सकते हैं एमसीडी चुनाव का जो